पर लीक का मामला भी कहीं ना कहीं हजारीबाग से इसका तार जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर हम आज हजारीबाग के ओएसी स्कूल में हैं, जहाँ पे नीट का सेंटर बनाया गया था। हजारीबाग में कुल 5 जगहों पे सेंटर बनाया गया था, जिसमें एक ओएसी स्कूल भी था। यहीं पे ईओयू की टीम ने आकर जांच पड़ताल की है, पूछताछ की है, जो यहाँ के सारे कर्मी हुए, जहाँ के स्टाफ टीचर सभी से पूछताछ की है। तो इन सभी के बीच में क्या बातें सामने निकल कर आई हैं, अभी यहाँ पे इस स्कूल के प्रचारित प्रेस को संबोधित करेंगे और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या बातें सामने निकल के आती है। कल्लू चौक मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल में एक प्रेस वार्ता में ओएसिस स्कूल के प्रचार एवं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने पत्रकारों को बताया कि हजारीबाग के 5 केंद्रों पर 5 मई 2024 को एनटीए के मापदंडों के अनुरूप नीट यूजी की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कुल 9 बक्सों में सील प्रश्न पत्र SBI बैंक में 5 मई 2024 को सुबह 7:30 बजे के पश्चात रिसीव कर हजारीबाग के सभी 5 परीक्षा केंद्रों के सेंटर सुपरिटेंडेंट और पद स्थापित किए गए ऑब्जर्वर को बैंक मैनेजर की उपस्थिति में सील बंद बक्से सुपुर्द किए थे। तत्पश्चात सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी। विगत 21 जून 2024 को नीट पेपर लीक मामले की जांच टीम ईओयू हजारीबाग पहुंची एवं बताया कि 5 मई 2024 को आयोजित नीट प्रश्न पत्र का एक बुकलेट की कॉपी बिहार के पटना शहर में अधजली अवस्था में मिली। इसकी जांच हेतु ईओयू की टीम हजारीबाग आई है। तब से मैं और मेरी टीम ने ईओयू जांच दल को जांच पड़ताल में पूरी तरह हर संभव सहयोग किया। जांच के क्रम में वे 5 दल के साथ SBI बैंक भी गए, जो नीट पेपर का कस्टोडियन था। जांच के दौरान पता चला कि प्रश्न पत्र के बक्से 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस द्वारा SBI बैंक हजारीबाग पहुंचाया गया था। ईओयू के पूछताछ के क्रम में हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर के कर्मचारी ने बताया कि 3 मई 2024 को रांची से हजारीबाग प्रश्न पत्र के बक्से नेटवर्क के किसी गाड़ी से मंगाए गए थे और उन बक्सों को भाड़े के ई रिक्शा से बैंक भेजा गया था। ईओयू की टीम में इतने संवेदनशील प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन की आलोचना करते हुए ब्लू डार्ट को गैर जिम्मेवार बताया। एनटीए और एसओपी के अनुसार प्रश्न पत्रों के बक्से 5 मई 2024 को रिसीव हुए, जबकि कथित तौर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में प्रश्न पत्र की कॉपी 4 मई को ही उपलब्ध था। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार जिम्मेवार हूँ? 5 मई 2024 को सुबह 7:30 बजे के पश्चात प्रश्नों के बक्से रिसीव होने के बाद मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया था। ईओयू की टीम को भी जांच में और मेरी टीम ने पूरा साथ दिया। वर्तमान में इस मामले में जांच प्रक्रिया जारी है, परंतु बीच में ही कुछ समाचार एजेंसियों ने हमारे प्रतिष्ठान को धूमिल करने वाले समाचार प्रचारित किया, जो कि निंदनीय है। इससे मैं काफी मर्माहत हूँ, मुझे इस बात की काफी अफसोस है। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की देखे खास रिपोर्ट। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है। अब वो 7 लेयर की जांच एक CS ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था, उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज़ कैमरे के निगरानी में होती है, सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ भी ना रहे। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडहेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसपे टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है, 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं, उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। EOU ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल प्रोफेसर द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी आम आदमी के पकड़ से बाहर, हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उन्होंने कई सारे केसेस देखा है, प्रोफेसर उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल प्रोफेसर ने किया और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है, इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। आपके पास बैंक में लापरवाही है क्या? बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको जिनको उन्होंने देखा है, इस पर रिपोर्ट भी की। क्या बैंक में क्या गड़बड़ी थी?
बैंक पे जब हम लोग सबसे पहले EOU ऑफिसर्स के साथ गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ वालों वहाँ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरे बैंक गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो जो रिसीविंग आपने किया। तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक NTA का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था वो नहीं बता पाए, किसने रिसीविंग लिया वो नहीं बता पाए। स्कूल का क्वेश्चन पेपर कब अवेलेबल किया गया, तो ये सारी बातें हुई। तो अल्टीमेटली उनको एक कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे EOU ऑफिसर से और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर आपने कहा कि से हम लोग वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ। और फिर कैसे हुआ तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई, उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं मारा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को OU ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। आपके स्कूल पर आरोप लगा यहाँ के आचार्य व्यापी है, किस रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा मामला जो है उसमें लापरवाही। ये देखिए ऑब्वियसली जब ये इतना बड़ा एग्जाम हुआ, जब इतना बड़ा स्टेक्स लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली SOPs गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए था, NTA का फॉलो करना चाहिए था, बहुत ही टाइट शेड्यूल से काम करना चाहिए था। जितने भी स्कूल्स में एग्जाम हुआ सारे स्कूल में सारे CS ने सारे SOPs को फॉलो किया, सारे ऑब्जर्वर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का जिन्होंने लिखित में गवाही दिया कि दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने इस बात का गवाही दिया कि कहीं यहाँ किसी भी सेंटर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। जब यहाँ सब कुछ सही था तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ, तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चन विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया। अच्छा EOU टीम के साथ आप ब्लू डार्ट गए थे, बताया जा रहा है कि जो ट्रक से प्रश्न पत्र आ रहे थे वो कुरियर के गोदाम में भी उसको एक दिन रखा गया था, क्या इसके बारे में जानकारी? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो वही लोग बता पाए। जी हाँ, लीक पेपर लीक मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में, जैसा कि पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर आक्रोश है छात्रों में, क्यों ना हो, क्योंकि छात्र कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में छात्र एग्ज़ाम देते हैं और मामला ये होता है कि पेपर लीक हो जाता है, उनका करियर दांव पे लग जाता है, जिसकी वजह से उनको फिर से एग्ज़ाम देने की नौबत आती है। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।